वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जनाब आज की वीडियो जो है वो है, बारिश आ रही है, कल से बारिश रुकी नहीं है बिल्कुल। कल से जब से शुरू हुई थी उस वक्त से ही शुरू हुई है, अभी तक नहीं रुकी, और थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, बस रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रात को तेज़ हो जाती है और दिन को कुछ बस पुंगार सी, मतलब कतरा कतरा आती रहती है। और इस वजह से जो है ना, हमारे मेरे घर में दो बकरियां हैं वो परेशान हैं, और अबू के घर गाय है एक, आपने देखी होगी मेरी पिछली वीडियो में, वो है। हम लोगों ने जो है ना मजबूरी में आके उनको कवर किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कवर किया हुआ है। अब ये देख रहे हैं, ये गट्टू हमने इनके ऊपर बांध दिए ताकि ये महफूज रहें, और कोशिश कर रहे हैं, क्या करें भाई, नहीं कुछ जगह है इतनी ज़्यादा कि इनको स्पेशली इनके लिए जगह बनाई जाए। आप ये पीछे इनका छप्पर देख सकते हैं। हमने सोचा था कि यार ये अब गर्मी आ चुकी है, अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ दिनों से काफ़ी लगातार बारिश हो रही है जिस वजह से मसला बन रहा है। और मैं जाके ना अब आपको दिखाता हूँ अबू की गाय का क्या हाल हो चुका है इस वक्त, देखते हैं आगे जाके कैसा है। और आप देख रहे हैं ये बेचारी बहुत ज़्यादा टेंशन में है इस वक्त, गीली हो चुकी है, इसका मुंह गीला है। हम इनको छप्पर के नीचे भेजते हैं, ये जाती नहीं है, फिर वापस आ जाती हैं, ये इधर ही खड़ी हो जाती हैं। और हमारी कुकड़ी भी जो है ना वो भी इकट्ठी हो गई खड़ी है बेचारी, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है दो दिन से, लगातार रुकने का नाम तक नहीं दे रही। फिर क्या करें, मजबूरी है, दुआ करो यार अल्लाह से ये ख़त्म हो जाए, रुक जाए, क्योंकि शहर में तो खैर मसला बहुत ज़्यादा बन। अगर आपको कोई भी मसला बीमारी वगैरह है तो बड़े हकीम से रब्ता करें, जो पाकिस्तान के मशहूर मारूफ हकीम है, वो यूट्यूब चैनल पर भी अपने मशवरे देते हैं, जाके चेक करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ना भाई, इस वक्त जो है ना मैं पहुंच चुका हूँ अब्बू के घर, और उनकी गाय की हालत भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कल मैंने जब मैं लाइव आया था ना, ये बारिश की वजह से उस वक्त से बारिश हो रही है, कुछ देर रुकती है, कुछ देर रुकती है, कुछ देर रुक जाती है, कुछ आती है, मतलब कोई टाइम टेबल नहीं है इसका, 24 घंटे आ ही रही है बारिश है। और इस वक्त आप देख ही सकते हो कि हमने जो है ना इनके ऊपर पहले नीचे कंबल रखा है, कंबल रखने के बाद इसके इनके ऊपर वो गट्टू जो है ना गट्टू उसको बांध दिया ताकि पानी अंदर ना जा सके और ये गर्म हो सके। और इस वक्त ये देख रहे हैं आप, चारे के अंदर इसका पानी जा चुका है, लेकिन भूख की वजह से बेचारी ये भी खा रही है। हम क्या करें, कोई जगह है ही नहीं जो इनको रखें। और इस वक्त आप ये देख सकते हैं पूरे का पूरा, इस वक्त इसका जो जगह है, मतलब इसका जो घर है, एक ही गाय है, और इसके लिए तकरीबन ये डेढ़ मरले से ज़्यादा जगह हमने रखी हुई है, जो इधर खड़ी रहती है और उसके बाद कुछ देर के बाद ये बाहर आ जाती है। और आप देख रहे होंगे कि ये बारिश अभी भी आ ही रही है, बारिश रुकी नहीं हुई। मैंने इसे अपने मोबाइल के ऊपर जो है ना कवर दिया हुआ है कुछ, जिसकी वजह से ये आपको नज़र भी आ रहा होगा ये वाला, और मैंने कहा यार देखो दुआ करो यार ये बारिश रुक जाए, शहर में बहुत मसला कर रही है इस वक्त फुल, और गाय की हमारी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी इस वक्त। मैंने सोचा यार आपको बता दूं कि हमारे क्या हाल हो चुका है इस वक्त हमारे जानवरों का, हमारे जानवर का ये हाल है, जिनके घर में ज़्यादा जानवर हैं उनका क्या हाल होगा इस वक्त। तो गांव में भी सूरत हाल इससे ज़्यादा बुरी है, क्योंकि उनके पास तो बेचारों के पास तो मतलब बाहर खड़ी करते हैं ना जानवर ज़्यादातर, वो अंदर एक छोटा सा खोला होता है बेचारों का, और वो एक कमरे जितना होता है, और उसके अंदर वो कम से कम जो है ना गाय कितनी रखते हैं, 6-7 गाय एक मरले की कमरा होता है उसके अंदर उन्हें बंद करनी होती है। उनका हमारे से ज़्यादा हाल ख़राब हो चुका है बेचारों का। वैसे भी अब गंदम का सीज़न है, मतलब गंदम बीजी हुई है, गंदम है हर तरफ, जगह भी नहीं है उनके पास बेचारों, उनके पास तो बेचारों के पास जगह तो है लेकिन इस वक्त गंदम बीजी गई है जिस वजह से जगह नहीं बची। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट करना, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। खुदा हाफिज़।